हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक तरह का सॉक्स बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन डाला है। हमारे पास सारे काम करने के बाद कभी कभी इतना समय बचता है कि थोड़ा बहुत कुछ कर लिया जाए, तो मैंने भी अपने उसी समय में से ये काम करा है। तो मैं आपको ये बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने इसमें अभी 50 फंदे डाले हैं और मैंने इसके आगे इसको उल्टा उल्टा 3 सिलाई निकाल ली है। अब ये उल्टा बुनने के लिए फिर जैसे मैंने इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे हमने ये अब पांच पांच सिलाई उल्टी करी है, इसके बाद इसके आगे हम डिजाइन डालेंगे। तो मैं ये आपको बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने पांच ये उल्टे बुन लिए हैं। अब मैं ये आपको आगे डिजाइन का बताती हूँ। एक दो, धागे को आगे ले लीजिए और जो हमने दो बुने थे उनको इसी सिलाई में लौटा लीजिए। फिर धागे को पीछे करना है और जो हमने फंदे इसमें डाले थे उसको इसमें ले लेना है। ये हमारी छोटी सी गांठ आपको दिख रही होगी, बन गई है। फिर दोबारा से एक दो, धागा आगे करा। इन फंदों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतारना है। यहाँ उतारा, धागे पीछे करा और जो ये उतारे थे फिर से इनको ले लिया। ऐसे ही करते हुए हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। ये दो पीछे करा, एक दो। ओके, ऐसे मैंने ये 3 बना चुकी हूँ। जैसे मैंने इसमें बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7, मैंने जैसे इसमें 7 फली बनाई है, उसके बाद ये प्लेन करा है, फिर इधर 7 फली करी है। तो जब हम इसको बुनेंगे तो ये डिजाइन पूरा हमारा ऊपर आएगा, ये हमारा डिजाइन पूरा ऊपर आएगा। वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह से करना है। चलिए आगे करते हैं। ये अभी मेरी 3 फली हो चुकी हैं। एक, बहुत आसान होता है। अब ये YouTube वगैरह से देख के बनाना हम आसानी से बना सकते हैं, तो आप देखते जाइए और करते जाइए। मतलब बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये हमने आगे किया और फिर इनको उतार लिया। तो अब मेरी बन चुकी है 1 2 3 4 5 हो चुकी हैं। फिर मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। अब जैसे ये वाला डिजाइन मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में पूरा दिखा दिया है, तो अब मैंने ये जितना मेरे को बनाना था ये एक ब्लैंक के हिसाब से मैंने इतना ही बना लिया है। उसके आगे मैंने जो ये हमारे 50 फंदे थे उसमें मैंने 20 फंदे इधर कर दिए हैं, बाकी ये 30 फंदे एक साइड कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये हमको एक हमको अंगूठे का बनाना है और ये हमारे बाकी उंगलियों का। तो ये कैसे बनना है ये बताती हूँ। अब ये हमने जैसे 20 फंदे कर लिए थे तो अब हम इसको 15 सिलाई करनी है। ये हमारी 10 हो चुकी हैं, इसको ऐसे ही 15 करनी है। अभी हमारी 15 सिलाई हो चुकी है। अब हम ये जो इसका पहला फंदा है इसके ऊपर ये सारे फंदे उतार देंगे ऐसे। ये हमने सारे फंदे उतार लिए और अब इसको थोड़ा सा खींचोगे आप तो ये खींच जाएगा आराम से। अब हम इसका इतना धागा तोड़ लेंगे।
और इसको हम इसमें से निकाल देंगे। अब आप इसको खींच लो, ये बंद हो गया पूरा। अब ये जो दूसरी साइड का है इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है। अब ये हमने इस साइड का बंद कर लिया था, अब इसको आधे आधे तक सिल लिया है, मतलब इसको इसमें उतार लिया है। अब ये जो बीच के जो फंदे आएंगे उनको तीन का एक करना है, उससे एक हमारी बेल सी बनती रहेगी ऐसे। इससे फंदे भी कम हो जाएंगे और एक बेल भी बन जाएगी। अभी मैं इसको पूरा करके फिर से आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने दोबारा से बुन लिया है। अब ये बीच के तीन फंदे, इनको फिर से इकट्ठे लेंगे और इनका एक कर लेंगे ये। तो ये छोटे से एक चेन बनेगी इधर पर, और ये हमारे फंदे ऐसे ही कम होते जाएंगे। अब हमने ये 15 सिलाई पूरी कर ली है। अब जैसे हमने पहले करा था कि लास्ट वाले पहले वाले फंदे पर सारे फंदे डालने हैं, ऐसे ही इसमें करना है। मैंने आधे कर चुकी हूँ, आधे ये हैं। ये हमने सारे फंदे इसमें उतार दिए। अब आप इसको खींच के भी देख सकते हैं। अब थोड़ा ये धागा काट लीजिए और इसमें से हम इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको खींच लें। इसको बनाते हुए हमको ये भी ध्यान रखना है कि जिस साइड हमने 20 फंदे लिए थे उसकी दूसरी साइड हमने 30 फंदे लिए हैं, मतलब एक अंगूठे का है एक पंजों का है। ऐसे ही दूसरे वाले को भी रख के ये ध्यान रखना चाहिए कि इस साइड अंगूठे के साइड अंगूठे का है और इधर पर पंजों का है। कई बार गलती हो जाती है कि हम इधर पर अंगूठे पंजों का कर देते हैं, फिर हमको सारा उधरना पड़ता है।